हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके लिए एक और एक्साइटिंग रेसिपी लेके आए हैं, बटाटा वड़ा, जो मुंबई का एक स्ट्रीट फूड है और जो बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये बटाटा वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़े वाले पोटैटोज बॉयल लिए हैं और मैं इनको मैश करके यूज़ करूँगी। तो उससे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे। तो बटाटा वड़ा मसाला बनाने के लिए ये यहाँ पे हमने करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2-3 लहसुन है और 3-4 हरी मिर्चें। ये काफ़ी तेज़ है तो मिर्च आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आधी कटोरी के करीब, ये छोटी कटोरी जो है मैंने लिया धनिया, तो मैं इसको पीस लूंगी फाइन पेस्ट, इसको पीस के लाऊंगी। ये देखिए थोड़ा सा दड़बड़ा हुआ है, दड़बड़ा हो जाए, कोर्सली हो जाए, कोई बात नहीं। तो इसको मैं निकाल के अलग कर लूंगी ऐसे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है, जैसे मैं यूज करती हूँ किचन में, तो इसको मैं ग्रेट कर लूंगी तो जरा इजी रहता है। ये देखिए आलू हमने ग्रेट कर लिया। ये हमने गैस पे पैन रख दिया गरम करने, तो इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल, इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून डालूंगी मस्टर्ड सीड्स, इनको क्रैकल होने देंगे। इसमें 1/2 छोटा चम्मच हींग डालेंगे, हींग थोड़ी सी, करी पत्ता तो मिक्स कर लेंगे। मैं करी पत्ता ड्राई करके रखती हूँ लीव्स को, तो इसमें ज्यादा वो घी में डालने के बाद तिड़कते नहीं है, चटकते नहीं है। और इसके बाद जो हमने सबसे पहले जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। पेस्ट को भी मिक्स कर लेंगे इन सब चीजों को। इसमें डालूंगी मैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और इसको मिक्स कर लूंगी। और अब मैं डालूंगी मैश पोटैटो, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो ग्रीनिश येलोश कलर आ गया, अच्छा सा नाइस ग्रीन कलर आ गया। और अब हम इस गैस में बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसकी बॉल्स बनाएंगे। इसमें हम नमक डालना भूल गए थे, कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है, तो हम अपने हिसाब से नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बटाटा वड़ा बनाने के लिए जो बेसन का घोल बनाना है उसकी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन, तो इसमें मैं डालूंगी, मैंने आलू में भी थोड़ा नमक डाला था तो यहाँ ध्यान से 1/2 चम्मच ही नमक डालूंगी, नमक तेज ना हो जाए, आप आलू में टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंगली डालिए। तो थोड़ा सा डालूंगी हींग और यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच पूरी भर के धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच में डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि उसमें भी मिर्च डली हुई है, 1/2 चम्मच करके। 1/2 चम्मच डालूंगी मैं हल्दी और इन सबको मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम कंसिस्टेंसी का एक में घोल तैयार करेंगे, ना बहुत पतला ना गाढ़ा, एक ही डायरेक्शन में। ये बहुत इजी रेसिपी है और खाने में बहुत चटपटी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक इसका बैटर बना लेंगे। अगर लम्स आ गए हैं तो लम्स को निकाल लेते हैं। ये
ये आपने ऐसा घोल बनाना है। तो अब हम उसकी आलू के मिक्सचर को, ठंडा हो गया, उसके बॉल्स बनाते हैं। आप फ्लैट भी बना सकते हैं, ओवल भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी इसको ऐसे फ्लैट टाइप, ओवल टाइप बना रही हूँ। बॉल हम इसमें डाल लेंगे और इसको ऐसे स्लाइड कर देंगे। ये देखिए बटाटा वड़ा रेडी हो गए। अब इनको सर्व करके हल्का सा प्याज लगा। ये बटाटा वड़ा रेडी है। तो इसको हरी चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। स्पाइसी चटनी हमने बनाई है इसकी, तो इसको बना के एक बार जरूर ट्राई करिए। देखिए कितना टेस्टी, बहुत स्पाइसी है ये। आप भी एक बार जरूर बना के बनाइएगा और अपने कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपके कमेंट्स पढ़कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।